नमस्कार, मैं मंगल सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल माई कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में अपन MS Word के बारे में सीखने वाले हैं और MS Word में रिफ्रेश टैब के बारे में सीखने वाले हैं। तो रिफ्रेश टैब के अंदर पिछली क्लासेस में अपन ने टेबल ऑफ कंटेंट्स बॉक्स के बारे में पढ़ा था, ये सारे फंक्शन अपन ने पढ़ लिए। फिर उसके बाद में अपन ने फुट नोट्स बॉक्स के बारे में पढ़े, ये सारे ऑप्शन अपन ने पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी बॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये ऑप्शन देखने वाले हैं। इस बॉक्स के बारे में पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का उपयोग कहाँ होता है और कैसे होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टाइप कर रखे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और उसकी ये मैंने यहाँ बारे में लिख रखा है। फिर व्हाट इज ए कंप्यूटर उसके बारे में लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर उसके बारे में लिखा हुआ है। ये जो मैंने अभी नोट्स तैयार कर रखे हैं, यदि मैंने किसी वेबसाइट से लिए हैं या मैंने कहीं से और से कहीं सोर्स से लिए हैं, तो मेरे को यहाँ पे डिस्कशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्ट के यहाँ पे कि मैंने यहाँ से लिया है। तो अपन कहीं से भी कोई डेटा उठाते हैं तो उसके बारे में अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे जो डिटेल डालते हैं उसको अपन साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे अपन यहाँ पे जो भी डिटेल डालेंगे कि ये अपन ये जो पैराग्राफ लिया है ये कहाँ से लिया अपन ने, वो अपन यहाँ पर डिटेल डालेंगे। इस प्रकार से जो भी ऑथर वगैरह होते हैं जो बुक वगैरह लिखने का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे बार कंटेंट जो उठाते हैं बहुत सारे अदर बुक्स में से उठाते हैं। तो जहाँ से उठाते हैं वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के रूप में एक शो करता है कि ये कहाँ से इन्होंने ये पैराग्राफ लिया है, ये बात लिखी है, तो ये कहाँ से देख के इन्होंने लिखी है। तो यहाँ पर अपन यहाँ पर शो करा सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो अपन यहाँ पर शो करा सकते हैं ताकि जो पढ़ेगा है वो देख सकता है ये जो यहाँ पे जो अपने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जो लिखा है वो कहाँ से अपने लिया, कौन सी बुक से लिया है, तो कहाँ ये सोर्स क्या है इसका लेने का। तो वो यहाँ पे अपन शो करेगा कि यहाँ पे किससे लिया अपन, तो वो अपन यहाँ से बना सकते हैं साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के माध्यम से। सबसे पहले अपन देखते हैं, इंसर्ट कराते हैं साइटेशन, इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर अपन क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन लिखा आ रहा है एड न्यू सोर्स। इस पर क्लिक, जैसे ही अपन क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और अपन को यहाँ पर सोर्स क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा रहा है क्रिएट सोर्स, तो यहाँ पर अपने क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स लिखा हुआ है और टाइप ऑफ सोर्स के अंदर ड्रॉप डाउन बना हुआ है, या ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शन है बहुत सारे। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, बुक सेक्शन, जैसे बुक आप बुक के बारे में कोई लिख रहे हो तो बुक के बारे में यहाँ से बुक आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से रिपोर्ट है तो रिपोर्ट, वेबसाइट, जहाँ से अगर आपने वेबसाइट से डेटा उठाया है तो वेबसाइट आप सेलेक्ट कर सकते हो, बुक से उठाया है तो बुक सेलेक्ट कर सकते हो, और भी आपने कहीं से और डेटा उठाया है तो आप यहाँ से बहुत सारे यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, इनमें से कोई से आप ले सकते हो। जैसे कि साउंड रिकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस, फिल्म, इन सब में अलग अलग ऑप्शन आएंगे। जैसे मैं साउंड रिकॉर्डिंग वाला सेलेक्ट करता हूँ तो साउंड रिकॉर्डिंग में यहाँ पर अलग ऑप्शन आएंगे, या कहाँ से अपन ने इसको लिया है सारी डिटेल अपन को फिल करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से आप बुक सेलेक्ट करोगे तो बुक में अलग ऑप्शन आएंगे, ऑथर का नाम, टाइटल, ईयर, सिटी सारे यहाँ पर आएंगे। और यदि आपने वेबसाइट से कंटेंट उठाया है तो वेबसाइट के बारे में डिटेल आएगी यहाँ पर, ऑथर कौन है इसका, नेम ऑफ वेब पेज जहाँ से आपने लिया है वहाँ पर। फिर आपको वेबसाइट का नाम यहाँ पर URL डालना पड़ेगा, या वेबसाइट का नाम आप डाल सकते हो यहाँ पर, ईयर, मंथ, डे और URL यहाँ पर आपको पेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। तो आप जो भी यहाँ से ले सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, और जहाँ से आपने यहाँ डेटा उठाया वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने किसी बुक से उठाया है तो यहाँ मैं बुक सेलेक्ट कर लूँगा, और जहाँ जो उस बुक का ऑथर है उसका अपन नाम लिख देंगे। जैसे कि उस बुक का ऑथर यहाँ पर अपन लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे अनिल जोशी नाम है बुक ऑथर उसका नाम, तो अपने यहाँ पर अनिल जोशी नाम लिख दिया, जैसे कि ऑथर का नाम लिख दिया। फिर टाइटल अपन यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि उस बुक का नाम है कंप्यूटर, कंप्यूटर बुक्स के नाम से है वो, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर बुक्स, रेंडमली मैं लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने कंप्यूटर बुक्स। फिर इसके बाद में ये बुक्स कब इन्होंने लॉन्च की थी, कब बनाई इन्होंने यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कौन से ईयर में ये लॉन्च की गई है। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ 2023 में इन्होंने बने लॉन्च की थी यहाँ पर। फिर यहाँ पर सिटी लिख सकते हैं अपन, जो भी सिटी लिखना चाहें यहाँ पर, ये यहाँ पर सिटी लिख देंगे अपन। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर पब्लिशर का नाम वगैरह लिख सकते हो, कौन इसका पब्लिश करने वाला है, तो वो अनिल जोशी जी है, और के जहाँ से अपन इन्होंने पब्लिश की है वो वहाँ यहाँ पर नाम लिख सकते हो, अगर आपको याद है वहाँ से इन्होंने यहाँ से पब्लिश कराई है तो वहाँ का यहाँ पर लिख सकते हो आप। फिर इसके बाद में और भी डिटेल फिल करना चाहो तो यहाँ पर शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे अपन, और भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे पब्लिशर, एडिटर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, कौन से पेज से आपने ये डिटेल ली है वो आप यहाँ से ले सकते हो कि ये मैंने इसी पेज से डिटेल ली है, तो यहाँ सारी डिटेल अपन लिख सकते हैं। जैसे मैंने चौथे पेज से डिटेल ली है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा चौथा पेज लिख दूंगा यहाँ पर,
और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ये जैसे क्या गया जोशी 2023 यहाँ पे लिखा गया। फिर यहाँ पे ये तो क्या लिटिल आई नॉर्मल। अगर आप लोग फिर यहाँ पे क्या करेंगे अपन बिब्लियोग्राफी वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर अपन क्लिक करेंगे। और बिब्लियोग्राफी में यहाँ पे दो अपने पास ऑप्शन है, इनमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन से माध्यम से दिखाना चाहते हो। यहाँ पर अपने पास में दो ऑप्शन है, जो भी आपने सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि अपन इस क्राइटेरिया ऐसे दिखाना चाहते हैं तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, और ऐसे दिखाना चाहता है तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट वाले सेलेक्ट कर लेते हैं बिब्लियोग्राफी। यहाँ पर मैंने बिब्लियोग्राफी सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि ये अपने किसी काम का नहीं है तो अपन इसको हटा भी सकते हैं ये किसी को। और ये अपने मेन है बिब्लियोग्राफी, तो यहाँ पर शो कर रहा है यहाँ पर इसका नाम और इस बुक्स का नाम और कहाँ से इन्होंने प्रकाशित किया है, जयपुर से तो ये जयपुर आ रहा है, कौन सी ईयर में प्रकाशित करती है ये नाम यहाँ पर लिखा रहा है। तो ये बिब्लियोग्राफी अपने सेट कर लिया यहाँ पर। इस प्रकार से जो भी इसको पढ़ेगा फिर आपको उसको पता चल जाएगा ये इस बुक से यहाँ इन्होंने लिया है, तो उसको पता चल जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से आप इसको बिब्लियोग्राफी ऐड कर सकते हो। अगर इनमें भी आप ऐड करना चाहो तो इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हो। ऐड यहाँ पर इंसर्ट पर गए और यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि मैंने एक ऐड ऐड कर दिया एक, तो यहाँ पर आ गया। यदि आपको यही वाला सेम यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पर अपन क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ पे भी शो हो जाएगा। और यहाँ पर बिब्लियोग्राफी ऑप्शन आ रहा है, फिर आप इस पैटर्न में ऐड करा सकते हो। यहाँ पर जब भी ऐड कराना चाहो पैटर्न यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। फिर इसके मतलब अपने ये जो बिब्लियोग्राफी ऐड किया है यहाँ पर, इसी का अगर आप लोगों को स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है। आपको जैसी स्टाइल चेंज करनी हो यहाँ स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ स्टाइल का मतलब यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पे वर्ड में चेंजेस होगा और यहाँ पर जो ऊपर नीचे हो जाएंगे, जैसे अनिल लिखा हुआ तो फर्स्ट में आ जाएगा, जोशी बाद में आ जाएगा, कंप्यूटर बुक्स पहले आ जाएगा या जयपुर ऊपर आया पहले आ जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर स्टाइल चेंज कर सकते हो, स्टाइल के अंदर अलग अलग स्टाइल चेंज हो जाएगी। देख सकते हो आप बोर्ड हो गया, फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाएगी यहाँ पर बहुत सी, और साइज छोटी बड़ी हो जाएगी यहाँ पर, और थोड़ा फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप जैसे भी स्टाइल चेंज करना चाहो, वो यहाँ बहुत सारी स्टाइल है, इनमें से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। और यदि आप इसको मैनेज करना चाहो तो मैनेज सोर्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैनेज भी कर सकते हो। मैनेज सोर्स का मतलब होता है यदि आपने इसमें जो डिटेल लिखी है उसको आप एडिट करना चाहते हो किसी प्रकार, तो एडिट भी कर सकते हो। और यदि आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट भी कर सकते हो। तो मैनेज सोर्स पर क्लिक करेंगे अपन और यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी जो भी आपने लिखी है। यदि आप इसको कॉपी करना चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो, डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो, और एडिट करना चाहो तो एडिट, और न्यू करना चाहो तो न्यू से, और भी एड करना चाहो तो यहाँ पर एड कर सकते हो। यहाँ पर सारी डिटेल लिखी आ रही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करा सकते हो, इंसर्ट साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के माध्यम से, ताकि यहाँ पर शो हो जाए कि ये जो पैराग्राफ अपन ने यहाँ पर लिखा है वो कहीं से कॉपी किया है, तो अपन यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ से हमने इस बुक से कॉपी किया है। इस प्रकार से साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।